नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में इस समय जो सियासी घटनाक्रम का खेल देखने को मिला, 5 जजों की संविधान पीठ के बाद जो फैसला आया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग का फैसला आखिरी फैसला होगा, लेकिन जो मामला था 16 विधायकों की अयोग्यता का, उसका क्या? 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा या उनके मामले पर आगे सुनवाई दोबारा होगी, ये अपना बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम बन चुका है। महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार परिवर्तन के कयासों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने नहीं देंगे एकनाथ शिंदे, ये उनका दावा है। उन्होंने साफ कह रखा है कि कोई भी विधायक नहीं हारेगा आने वाले चुनावों में, ये उन्होंने दावा कर रखा। अगर हारे तो इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ साथ जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला किया, जस्टिस चंद्रचूड़ की संविधान जो कह सकते बैंस थी, वहां पर जो निष्कर्ष निकला वो ज्यादातर था शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर, क्योंकि कपिल सिब्बल बार बार यही कह रहे थे कि शिवसेना मामले पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ये मामला बनता ही नहीं, चुनाव आयोग तो ये मामला जाना ही नहीं चाहिए था। उद्धव ने अभी तक कोई दस्तावेज भी नहीं जमा करा उद्धव गुट की तरफ से शिवसेना मामले पर, लेकिन अब शिवसेना मामले पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा बहुमत को ध्यान में रखकर। लेकिन इस बीच जो 16 विधायकों को लेकर तमाम जानकारियां थी, वो जानकारी यहां पर आप सभी को बताएं कि किस तरीके से 16 विधायक कौन कौन से हैं। सबसे पहले याचिका में एकनाथ शिंदे, भरतेश गोगावले, संदीप आरवन भूमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट का नाम भी है, और साथ ही साथ यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किड़ीकर, और साथ ही साथ तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवे, चिड़मा चिमरणव, और साथ ही साथ कह सकते हैं पाटिल जो है उनके साथ साथ रमेश बोरनारे, संजय रायमुलकर और बालाजी कल्याणकर, और साथ ही साथ को इन सभी को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी उद्धव गुट के द्वारा। तो एक तरफ शिवसेना का चुनाव चिन्ह की लड़ाई है, दूसरी तरफ यहां पर विधायकों की अयोग्यता की बात है। अगर विधायकी जाती है शिंदे की तो सीएम पद सोना पड़ जाएगा, और अभी डिप्टी सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस और सीएम पद पर शिंदे, जो कि अभी तक बहुत दूर दूर का मामला नजर आ रहा है विधायकी जाने का, क्योंकि बहुमत के मामले पर फैसला करेगा अब चुनाव आयोग और 5 जजों की संवैधानिक पीठ। इस मामले पर भी आगे कार्यवाही जारी रखेगी, ऐसी अभी तक खबरें सामने आई हैं। लेकिन 16 विधायकों पर अब भी आंचे, भले शिंदे गुट की जीत हुई, चुनाव आयोग तक मामला गया है चुनाव चिन्ह का, लेकिन अभी भी यहां पर विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलता नजर आएगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।